Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. इधर जो है ना जनाब वो हम आज बना रहे हैं साफ सुथरा लग रहा है और इसमें जो है ना वो मैं जावियार और मुल्तान का अंडा बॉयल करूँगी। तो ये इसमें मैं टमाटर डालती हूँ इससे पहले कि जो है ना ये काम ख़राब हो जाए। सब बाकी की जितनी भी वीडियो है ना उसमें भूल गई थी कि मैं आज जो है वो आवाज़ के साथ व्लॉग कर रही हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं वॉइस ओवर कर लेते हैं। तो जनाब मैं अपनी मामा के घर रहने गई हुई थी क्योंकि मियाँ साहब जो थे वो गए हुए थे आउट ऑफ सिटी, तो दो दिन के लिए मैं मामा की तरफ आ गई थी मैं और मुंतहा। तो हमने सोचा कि हम जो है वो साग खाते हैं, तो मेरी जो है खाला ने साग दिया था तो यहाँ पर मैं उसको तड़का लगा रही हूँ। मेरी बहन ने बहुत जो है वो इसरार किया कि तुम काम मत करो, तुम मायके आई हो रेस्ट करो, लेकिन पता नहीं ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं अम्मा और बहन को ना कुछ बना के खिलाऊँ। तो यहाँ पे लाइट जा चुकी है, कोई बात नहीं पाकिस्तान में रहते हैं हम। साग के साथ साथ यहाँ मैं मुंतहा और जाविया के जैसे मैं बॉयल कर रही थी तो सीन ये हुआ कि वो ज़्यादा बॉयल हो गया। जावी ने तो खा लिया लेकिन मुंतहा अभी छोटी है तो उसके लिए वो थोड़ा सा मुश्किल था खाना, तो उसका अंडा जो था ना वो मैंने खा लिया था। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं बस साग को जो है वो तड़का लग चुका है। अच्छा साग मैंने पहले टेस्ट नहीं किया था, उसमें थोड़ी सी थी मिर्चें, मैंने ऊपर से सब्ज़ मिर्चें डाल दी, थोड़ी सी ना स्पाइसी हो गई थी साग का सालन, लेकिन ठीक था मज़े का था, सबने खा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा अपडेट्स ये हैं ज़िंदगी में कि बस मसरूफियत रहती है, बहुत मसरूफियत रहती है, लेकिन अब मैंने सोचा कि नहीं आई थिंक आई शुड डू व्लॉगिंग क्योंकि मैं यूजुअली ऐसा करती हूँ कि मैंने बहुत सारे क्लिप्स जो है ना वो बना के रखे हुए हैं व्लॉग के, लेकिन मैं अपलोड नहीं करती क्योंकि मुझे इतना रैंडम लगते हैं। लेकिन कितना बोल रही हूँ, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं वो सारे कंबाइन करके ना एक व्लॉग बनाऊँगी और उसमें मैं आपको बताऊँगी कि क्या हो रहा है भाई। तो हाँ यहाँ पर जो है वो मैं पराठा बना रही थी। आई नो साग के साथ जो है ना वो मकई की रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन ये भींगा पराठा जो था ना वो मैंने बना लिया था। ज़रूरी नहीं है यार, आप आटे के साथ भी खा सकते हो, वो आटे की रोटी के साथ भी खा सकते हो। ये वो अंडा है जो ज़्यादा बॉयल हो चुका था, तो जाहिर बात है मुंतहा तो ये बिल्कुल भी नहीं खा सकती, तो हमने मुंतहा को जो है वो दूध दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुंतहा जो है वो दूध पी रही थी और उसके हाथ देखकर मुझे इतना प्यार आ रहा था, मैंने कहा यार तेरे हाथ कितने क्यूट हैं। उसके बाद फिर मुझे दोबारा भूल गया कि मैं व्लॉग कर रही हूँ, तो जब मुझे याद आया जब मैं मुंतहा को जो है वो खिला रही थी कुछ, बस फिर मैंने कहा चलो ये भी व्लॉग कर लेते हैं। इट वॉज़ सो रैंडम व्लॉग। अच्छा तो इस दिन हमने बेसिकली मैंने क्या क्या बनाया था, मैंने वाइट हांडी बनाई थी और साथ मैंने ब्राउनीज़ बनाई थी। तो हाँ ये बाबा ना चॉकलेट्स बाबा ने कुछ भेजी थी बाहर से, तो मैंने कहा यार इतनी सारी चॉकलेट्स पड़ी हैं लेट्स डू समथिंग। और मैंने ओवन में मतलब सीन ये था कि काफ़ी दिनों बाद ओवन जो था वो हम वर्किंग में ला रहे थे, मैंने सारा कुछ बना बनू के मतलब मैंने रख दिया, मैंने कहा चलो अब ना सीन ये करना है कि ना बस बेक करना है। तो फिर ना खाना खाने के बाद मैंने बेक करने के लिए रखा, टाइमर मैंने सेट किया लाइक 15-20 मिनट्स के लिए रखनी होती है हमने ब्राउनीज़, मैंने रखा वो पता नहीं क्या मसला था वो टाइमर स्टक हो गया और वो टाइमर चला ही नहीं, और मैं 20 मिनट में ट्रिंग की आवाज़ का वेट कर रही हूँ। मतलब मैं इतनी डर हूँ कि मतलब मैं घड़ी देख लूँ कि 20 मिनट हो गए मुझे निकाल लेना चाहिए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ ट्रिंग की आवाज़ नहीं आ रही। मैंने जाके देखा तो टाइमर 20 मिनट के 20 मिनट भी सेट हुआ हुआ था और आई वॉज लाइक नो प्लीज़। हाय मुंतहा हाउ आर यू बेबी। अच्छा तो उसके बाद फिर ऊपर अपर लेयर जो थी ना ब्राउनी की वो सड़ चुकी थी और लोअर लेयर जो थी ना वो फिर मैंने मेरी बहन ने रात को बैठ के मंचिंग की उसकी, बट इट वाज गुड लाइक जितना भी खाया गया वो बहुत मज़े की थी। वाइट हंडी बनाई थी और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं वाइट हंडी बनाऊँगी ना तो मैं उसकी रेसिपी जो है वो ज़रूर शूट करूँगी क्योंकि ना वो बहुत मज़े की बनती है और बहुत यम्मी भी बनती है, सबको पसंद आती है। अच्छा यहाँ पे मैंने चॉकलेट जो थी ना वो बाबा ने जो भेजी थी उसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया और थोड़ा सा देसी घी ऐड करके ना मैंने उसको 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव किया, तो वो इस तरह पिघल गई थी और आप इस तरह लाइक स्प्रेड वगैरह भी बना सकते हैं। बस और कुछ नहीं, मैं और क्या बोलूँ यार, मतलब लिटरली समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूँ। ऑन अदर हैंड आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग
तो आप उसके लिए जो है वो इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, सिजरा शेख, सिजरा शेख ही है ना, हाँ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अपडेट्स के लिए, क्योंकि बस उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा जो है वो ज़िंदगी अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लेस्ड बहुतों से बहुत अच्छे। हाँ यहाँ पे ये देखिए, जैसे कि ना मैं चिकन भून रही थी वाइट हांडी का, यहाँ पर मैंने प्याज़ वगैरह जो है वो पेस्ट बनाना था तो वो बन नहीं रहा था चॉपर पे, तो मैंने इलेक्ट्रिक चॉपर में डाला था। और मैंने बड़े सोचा था कि मैं इसकी रेसिपी शूट करती हूँ, लेकिन ना फिर मैंने कहा कि कर लेते और फिर रह गया। तो बस उसके बाद मैंने कहा चलो अभी मैं कर रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं एंड रिज़ल्ट दिखा देंगे, और मैंने खा भी लिया। फिर मुझे याद है वो मैंने एंड रिज़ल्ट भी दिखाया तो ये बच गई थी, तो मैंने कहा ओह दिखा देती हूँ कि ये अच्छा इस तरह लग रही थी। सो यस, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।